आजमगढ़ में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना हुई, इसमें आजमगढ़ के सदर सीट पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को 1,61,035 वोट से हराया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जीत की घोषणा होने के बाद डीएम विशाल भारद्वाज ने मतगणना स्थल FCI गोदाम बिलेशक में विजय प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का जीत का सर्टिफिकेट सौंपा। आपको बता दें कि लोकसभा सदर के लिए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 5,08,239 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर रहे और बसपा प्रत्याशी मशहूद अहमद को भी वोट मिला है। आज के इस मौके पर सबसे पहले सदैव नेताजी को मैं श्रद्धांजलि दूंगा। अगर उनकी एक कर्मभूमि ना होती तो शायद आजमगढ़ के लोग मुझे पहचानते भी नहीं। आड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि बड़े भाई भी हैं इसलिए किन शब्दों में अब मैं आभार व्यक्त करूँ, मैं अपनी भावनाओं को जरूर उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, सदैव नेताजी की कर्म भूमि, खुद उनकी खुद की कर्म भूमि और आजमगढ़ के शानदार समाजवादियों की कर्म भूमि पर जो मुझे मौका दिया यहाँ से चुनाव लड़ने का, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ। मैं आजमगढ़ के अपने समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ता साथियों का और आजमगढ़ के एक एक मतदाता का जिन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं भी दिया, मैं आजमगढ़ के हर व्यक्ति को नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो समर्थन दिया और आशीर्वाद दिया। और मैं उन सभी को यकीन दिलाता हूँ जो सदैव नेताजी के जज्बात और भावनाएं रहे, इसलिए से आड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आगे बढ़ाई है